Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I hope all of you are fine and safe at your homes. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही इजी स्टेप्स में अपने टेराकोटा पॉट को एक अमेजिंग लुक दे सकते हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अवर एक्चुअल ट्यूटोरियल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इससे मेरी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे. So the material required in this tutorial are, सबसे पहले जी मैंने enamel paint ले लिया है white in color. Secondly मैंने ये flat brush लिया है, आप कोई भी brush ले सकते हैं जो आपके पास available है. और फिर ये मैंने terracotta pot लिया है एक, इसको अच्छे से मैंने wash कर लिया है पहले. अब मैं इसके ऊपर ये white paint करूँगी. इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा kerosene oil mix करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाए. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है इनेमल पेंट ही लें, आप एक्रेलिक पेंट भी ले सकते हैं. जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास इनेमल पेंट था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. अब इसको अच्छे से मिक्स करके अप्लाई करना है पूरे पॉट पर. और डायरेक्शन सेम रखनी है, ये आप माइंड में रखिएगा, ऑलवेज माइंड में रखिए, क्योंकि पॉट को पेंट करते हुए डायरेक्शन सेम रखेंगे तो ज़्यादा फाइन लुक आएगी. आप देख सकते हैं कि मैं अपने पेंट को अंदर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ. इसकी एक रीज़न है कि जब हम पेंट के लिए अंदर की तरफ करते हैं तो बहुत ही नीट लुक देता है. सी ये पॉट कितना नीट दिख रहा है, हर तरफ से फाइन. सो आफ्टर वन डे हमारा पॉट बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब हम फर्दर इस पर पेंटिंग करेंगे. सो अब मटेरियल जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो देख लेते हैं. सबसे पहले मैंने सीजर ली, उसके बाद ये मास्किंग टेप है और हमने ब्लैक पेंट लेना है. मास्टर का आप ले सकते हैं, आप रॉयल कंपनी का ले सकते हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ही मैं मास्किंग टेप ले रही हूँ और उसको स्क्वायर शेप में कट करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद इसको ट्रायंगल शेप में करूंगी. आप कोई भी शेप में कर सकते हो बट मैं इसमें ट्रायंगल में काट रही हूँ. और इसको पूरे के ऊपर पेस्ट करूंगी रैंडमली, डिफरेंट डायरेक्शंस में हम इसको पेस्ट करेंगे. और इसको टाइटली पेस्ट करेंगे, लूज़ नहीं रखना आपने. नेक्स्ट ही मैं अपने होल पॉट के लिए मास्किंग टेप ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी, ये देखें जी, और अब इस पर अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट ये फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, ब्लैक इनेमल पेंट लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. उसके बाद इसका लिड ओपन करूँगी विद द हेल्प ऑफ नाइफ, और जितना मुझे रिक्वायर है उतना मैं ये इस पर डाल लूँगी. और इसमें मैं थोड़ा सा केरोसिन ऑयल भी ऐड करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी कम करने के लिए. मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद इसको अप्लाई कर दूंगी पूरे पॉट पे. अच्छा, जिस जगह पे हमने मास्किंग टेप अप्लाई किया है उस जगह से आप टैप करके पेंट करेंगे, बिकॉज चांसेस होंगे कि आपका जो मास्किंग टेप है वो उतर जाए. इस जहाँ जहाँ पे मास्किंग टेप अप्लाई किया है उधर आपने टैप करके पेंट करना है.
नेक्स्ट ये हमने पिंक पेंट लेना है और इसको अपर साइड पे अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जैसे हमने पहले अप्लाई किया था अंदर की तरफ वाइट, अब हम पिंक अप्लाई करेंगे, इससे इसकी लुक ज़्यादा नीट आएगी। और मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगी इनेमल पेंट आउटडोर पॉट्स के लिए, आप अंदर के लिए इंडोर के लिए एक्रिलिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट आउटडोर के लिए इनेमल बेस्ट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल होते हैं और इसके ऊपर वार्निश करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में, बिकॉज ये ऑलरेडी शाइन कर रहे होते हैं, हमें इसलिए वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट 3 आवर्स के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और अब हम ट्यूज़र की हेल्प से इसके जो ट्राइंगल्स हमने लगाए थे मास्किंग टेप के वो उतारेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स की जो आउटलाइन है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है, तो हम इसको बाद में ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइट पेंट। तो ये रहा हमारा वाइट इनेमल पेंट विद द हेल्प ऑफ 0 साइज ब्रश, मैं इसको फिल करूँगी अंदर से, इसकी आउटलाइन जहाँ जहाँ से ख़राब हुई है इसको ठीक करूँगी। आप अपने पॉट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप उसके बॉर्डर को फिक्स कर लें, उसके जहाँ जहाँ पेंट स्प्रेड हुआ है उसको ठीक कर लें, तो बहुत ही नीट लुक देगा। सी, हमारे पॉट की अमेजिंग लुक आ गई और बहुत ईजी स्टेप्स में आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। सो द फाइनल थिंग जो अब होने वाली रह गई है, जिसके बगैर हमारा पॉट इनकम्प्लीट है, वो है ये प्लांट। So guys, I hope you liked this tutorial, and if you like it, please give it a big thumbs up to subscribe my channel, and if you're new to my channel, watch my other videos as well. Till then, see you next time. Bye-bye.